आखिर किस बात को लेकर ओम तेज रन में हुई बड़ी लड़ाई? जी हाँ, अब क्या टूट जाएगा ये ट्रायो? क्या है पूरी जानकारी, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस के घर में, बिग बॉस 15 के घर में दो ट्रायो बनाए हैं, ओम तेज रन और प्रणीता। ये दोनों ही कहीं ना कहीं जनता को पसंद आ रहे हैं, किसी का फेवरेट ओम तेज रन है, किसी का प्रणीता। और ये जो दोनों ट्रायो हैं, लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं इस दोनों ट्रायो को। लेकिन ओम तेजरन की अगर मैं बात करूं तो कल रात के लाइव फीड में ये नजर आया है कि ट्रायो के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। दरअसल होता क्या है कि तेजस्वी प्रकाश को लेकर उमर जो है वो कहीं ना कहीं कहते हैं खाने को लेकर, क्योंकि बिस्किट छुपा कर रखती है, शायद बिस्किट कुछ ऐसा खाने वाली चीज को तेजस्वी छुपा कर रखती है। तो उमर कहते हैं कि ये सही नहीं है, किसी को ये जो तू खाना, तेरा ये गिविंग नेचर नहीं है, जो कि हमेशा खाने को लेकर ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन तेरा गिविंग नेचर नहीं है, तू खाना छुपा के रख रही है, तू लोगों को तरसा रही है खाने को लेकर, तुझे ये देखना अच्छा लग रहा है, ये सारी बात उमर कहते हैं। और उसके पहले अगर बता दूं तो निशांत भी कहीं ना कहीं खाने को लेकर ये चीज तेजस्वी को कहते हुए नजर आते, लेकिन तेजस्वी कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये सारी चीजें। फिर उमर जब ये बात कहते हैं तेजस्वी को, तो वहीं पर करण रहते हैं, करण कुंद्रा भी मजाक में ही शुरू हो जाते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा करती है, हाँ ये ऐसा करती है। तो जो तेजस्वी है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ले लेती है, इन सारी ऑफेंस हो जाती है इन सारी बातों से, उमर की बातों से। और जब करण चिढ़ाने लगते हैं तब उस बात को भी लेकर तो बहुत उल्टा जवाब देने लगती है और अपनी बात रखने लगती है कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है। तो इन तीनों के बीच में ये बात को लेकर लड़ाई होती है। अब देखते हैं कि ये जो लड़ाई हुई है क्या सॉर्ट आउट हुई है, क्या ये तीनों वापस एक बार फिर से जो स्ट्रॉन्ग ट्रायो है टूटेगा कि नहीं टूटेगा इस छोटी सी बात को खाने को लेकर, अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी क्या राय है इन सारी बातों को लेकर, और ये ट्रायो आपको कैसा लगता है बता दीजिए। और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।